नमस्ते सर। नाम? मैं भंडारा से शुभम साकुरे, महाराष्ट्र से। तो यहाँ पे जो आप कोर्स कर रहे हैं सॉफ्टवेयर और MMC और हार्डवेयर जो क्लास की है, आज आपका आखिरी दिन है। वैसा तो नहीं है कि पहला दिन की रिव्यू ले रहे हैं या बीच की रिव्यू ले रहे हैं? नहीं सर, आखिरी दिन। आखिरी दिन का रिव्यू ले रहे हैं ना, मतलब आखिरी दिन में क्या क्या कैसा कौन कैसा जा रहे हैं उसी हिसाब से हम रिव्यू ले रहे हैं। अब आपको कैसा लगा, आप सेटिस्फाइड है या नहीं है? सर या तो मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ और ऊपर से ऐसा लग रहा है कि और दो चार दिन मिल जाते सर लोगों के साथ में तो अच्छा हो जाता और कुछ ज्यादा ज्ञान मिल जाता था, क्योंकि सर लोगों ने तो जो सर लोग ने आप लोग को कभी नहीं छोड़ा है, आपको अपडेट के लिए जो दिया वो तो बहुत दिया। जो प्रोटोकॉल है, जितने दिनों का कोर्स है उतने दिन तो हम कर रहे हैं, लेकिन जो दिया वो एकदम माइंड ब्लोइंग है। उसके बाद में भी सर लोगों के पास इतना कुछ है देने के लिए, उनके पास टाइम नहीं रहता जो देना चाहते उतने टाइम में, क्योंकि हम सवेरे से 8 बजे से लेकर रात में 8 बजे तक यहाँ ही रहते थे। यहाँ से जाने के बाद में 2 बजे 3 बजे मैं खुद 3 बजे तक के सोया हूँ। रात में फिर सवेरे 5 बजे और उठो, फिर तैयारी करो, फिर इधर आओ, फिर पढ़ाई करो, वही चल रहा था, टाइम ही नहीं मिल रहा था। और सर कल मेरे को एक प्रॉब्लम हुआ था, रात को 2 बजे मैंने मिलिंद सर को एक मैसेज किया था व्हाट्सएप पे, सर ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताओ। तो सर ने मेरे को 2:30 या 3:15 बजे मैसेज का रिप्लाई दिया और प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताया। मतलब यहाँ पर बहुत अच्छा लगा, आपको इंस्टेंटली रिप्लाई मिल गया। बिल्कुल, रात में 2:30 बजे उतने रात में कोई टीचर रिव्यू मैंने दे रहा है रिप्लाई, यानी बहुत हो गया सर। अच्छा ये बताइए, आपसे सिर्फ हार्डवेयर सीखा है या सॉफ्टवेयर सीखा है या एमएमसी, या ऐसा तो नहीं है कुछ आपने कम सीखा कुछ ज्यादा सीखा है? सारी टीम यहाँ पे कैसी है? एकदम सर, टीम का वर्क जो है मिल बांट के सर, मैंने सब सर का एक अलग ही काम है, जिसका जो काम है वही काम करेंगे और प्रॉपर तरीके से करेंगे। कभी टाइमिंग में तो ऐसा नहीं लोचा हुआ कि 8 से 12 बजा दिए है ना, कभी जल्दी जा रहा है आज घर जा, तो लगातार आए हो ना पूरे? बिल्कुल पूरे दिन आया सर, और जब तक के सर सर जा भी बोलते है, यानी टाइम हो गई तुम्हारे को खाना खाना है, ये करना है, तुम थक गए होंगे, लेकिन ऐसा कोई बंदा भी नहीं और सर भी नहीं बोलते। जब एकदम जैसे कि कर हमारा जैसा क्लास की टाइमिंग रहती है 8 से रात में 8 बजे तक के, कभी 8:30-9 बज जाते हैं, तो भी कोई बंदा भी नहीं जा रहा और सर भी नहीं जा रहे। अब ये मुझे बताओ कि ऑनलाइन भी कर सकते थे, 10 दिन का भी कोर्स दे रहे हैं, तो फिर आप इस टेलीकॉम के 25 से 25 में क्यों आए, रीजन क्या है? सर मेरे को कुछ नया सीखना था और अपडेट होके जाना था, तो 10 दिन में इतना कुछ नहीं कर सकते। अब आप ये बताओ कि यही चीज 10 दिन में पॉसिबल है क्या? जितना भी आपको मिला ये पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है। और पॉसिबल भी होता तो बिल्कुल वो एकदम सूखा सूखा पता ही नहीं चलता कब ऊपर से निकल गया। 2-3 दिन तो समझने में ही लग गए, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। 2-3 दिन समझ में ही लग गया है ना, तो कॉम्प्रिहेंड क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फिर उसके बाद घुसे धीरे धीरे सर बोल रहे क्या बोल रहे यही नहीं समझ में आ रहा था 1-2 दिन तो पहले बार में, फिर ऐसे समझ में आ गया कि उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है। पहले दिन आपको लेवल समझ में आ गया था इंस्टीट्यूट का? बिल्कुल सर, क्योंकि जो हम बैठे जो नॉलेज दिया गया वो कभी सुना ही नहीं था, और उनका फिर अभी धीरे 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 हर दिन हर चीज का कुछ ना कुछ काम है ये समझ में आ रहा है, और ये समझ में पूरा आखिरी तक के हो गया, एंडलेस सॉल्यूशन पता चल रहा है। कौन यहाँ नहीं आए ये बताओ, कौन यहाँ आए, दोनों चीज बताओ। जिसको अगर से आराम होना हाँ, तो आए ही नहीं यार क्योंकि मैं खुद 3 बजे सो के 5 बजे उठा हूँ, यानी कितनी 2 घंटे या 3 घंटे सोया होगा, बहुत बहुत तो आराम करने वाला तो आए नहीं, घर में लगे तो 1-2 साल पहले आराम कर ले, बाद में आएगा। सही बात है, क्योंकि एक बात बताओ ना, जो बेस्ट होता है जो अपना नॉलेज को बढ़ाता है वो आराम नहीं करता है, नहीं वो अपने नॉलेज को बढ़ाने में लगा रहता है, उसका हर मिनट हर एक सिंगल टाइम ये सोचने में लगता है कि मैं आज कितना सोया और मैंने आज कितना खोया। सर एक दिन अभी 2-3 दिन पहले की बात है, सर ने एक कुछ बता रहे थे मेरे को एमएमसी का, सिर्फ 1 मिनट के लिए वो मिस हो गया तो मेरा पूरा दिमाग चकरा गया था। मैंने चिड़चिड़ा के बोला भी सर को, सर मेरे को दोबारा से बताओ प्लीज, क्योंकि मेरा ध्यान नहीं था। मिलिंद सर बोला ध्यान होना बहुत जरूरी है क्लास में, 1 मिनट भी इधर उधर नहीं देख सकते, जो सिखा रहे वही सीखना है। चलो ठीक है, थैंक यू।
यहाँ पर दिखाइए क्लास, यहाँ पर, यहाँ पर आज हम ईएमसी चेंज आपको सोल्यूशन दिखा रहे हैं। कौन कौन यहाँ पे ईएमसी चेंज कर लेगा? बस नोट, सिर्फ नोट 6 प्रो की बात नहीं कर रहे हैं अभी, हम जो कर रहे हैं वो नोट 5 प्रो की बात कर रहे हैं, या उसके अलावा भी आप लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ब्लैक पे स्टेट काम, ठीक है। अभी हमारे यूट्यूब के लिए क्लैप नहीं, ये देखिए, तो आपको देखकर ही मैं यहाँ पर दिमाग में डाल देता हूँ भाई, इन स्टूडेंट को अपना पर्सनल गिफ्ट देना है मेरे भाई, अलग से गिफ्ट मैं अलग दूंगा और वो कसम से अल्टीमेट होगा। तो अभी दिमाग में रख लो, अभी भी टाइम है। बेसिकली पहले टाइमिंग बताओ यहाँ पर कितने बजे के, कितने बजे है? इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है?